आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन भरता की रेसिपी। मेरे इस नई तरीके से बैंगन की भरता को एक बार बना लोगे ना तो इसके दीवाने बन जाओगे, खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बैंगन ले लिया है, बैंगन के ऊपर 2-3-4 कट लगा ली है और उसके बाद गैस के ऊपर रख दिया है और इसको अच्छे से अभी पकने देंगे। तो इस तरह से उलट पलट के इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप स्टैंड के ऊपर बैंगन को रख के पका सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही पकाया है। तो देख सकते हैं मैंने बैंगन को अच्छी तरह से पका लिया है। अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी बैंगन जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का छिलका है ना इसको इस तरह से हटा लेंगे। तो मैंने ऊपर का छिलका हटा दिया है, तो अभी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अभी इस बर्तन को रख देंगे साइड पे और मैंने यहाँ पे ले लिया है अभी एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है ऑयल। अभी ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के, और प्याज को डालने के बाद प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं प्याज हमारा फ्राई हो चुका है हल्का सा। अभी इसमें डाल देंगे 3-4 हरी मिर्च को लंबाई से काट के और इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च को फ्राई करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से इनको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की टमाटर को बारीक काट के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन से ढककर रख देंगे गैस की फ्लेम को लो करके 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हटाएंगे और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे मसाले। तो अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मटन मसाला। तो मटन मसाला डालने से क्या होता है, जो बैंगन भरता का टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है। खाने में इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद जो मैश करके रखा था बैंगन को ना वो डाल देंगे। अच्छा, अगर आपके पास मटन मसाला ना हो तो आप इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और बैंगन को डालने के बाद अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी ढक्कन से ढककर रख देंगे 1 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पे रख के, ताकि जो मसाला है बैंगन के अंदर अच्छे से चला जाए। तो 1 मिनट हो चुका है, अभी ढक्कन को हटाएंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार बैंगन भरता बनकर तैयार है। तो आप लोग इस बैंगन की भरते को रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।